रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। She's so cool, she's so hot, she's a diva. She don't really give a damn, best believer. They see soul with the swag from the UK, but it's all gon' stop. Politics gay, so dandal me. Yeah, item hai, anadi. Snap and star, FB keeper. Hai ye pakki khiladi. Priyam Selfie Vali. अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन में रूलिंग स्वतंत्रता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि क्या भ्रष्टाचार, क्या करप्शन श्रीमती प्रियंका ठाकुर की सरकार को ले डूबेगा? The exit poll numbers are now on your TV screens and it's absolutely shocking. It's 2017 calling Mrs. Thakur and giving you your wake up call. क्या सच में हमें ये भ्रष्टाचार का आरोप ले डूबेगा? मैम, जब इंडियन वोटर्स भड़क जाते हैं तो उन्हें समझाने का बस एक ही तरीका होता है, उन्हें बदलाव का टॉनिक पिला दो। मैम, मेरे कहने का मतलब था कि हमें एक ऐसा यंग लीडर चाहिए जिसकी छवि साफ सुथरी हो। अशोक, हमारी पार्टी 100 साल पुरानी है, हमारे यंग लीडर्स भी 50 के कम नहीं। और जो गिने चुने हैं भी मैम, जनता उन्हें आज पीएम स्वीकार नहीं करेगी। पीएम? बदलाव का टॉनिक क्या तुम मुझे ही पिलाना चाहते हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अरे नहीं मैडम जी, कैसी बात करिए, हमारे दो ही तो माता है, एक गौ माता और एक आप। आपकी बिना ये पार्टी कुछ भी नहीं मैडम जी। मेरे पास एक प्लान है, इस प्लान के मुताबिक मैम जनता को बदलाव भी मिल जाएगा और पार्टी का रिमोट कंट्रोल भी आप ही के हाथ में होगा। गो ऑन। आप इस्तीफा दे दीजिए। व्हाट? सिर्फ 6 महीने की बात, चुनाव तक हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छी साफ सुथरी छवि वाले नए लीडर को स्टैंडिंग पीएम बना देंगे। और अगर हमारा ये पैतरा चल गया तो जीत तो हमारी होगी और पार्टी के प्रेसिडेंट होने के नाते आप जब चाहे दोबारा पीएम बन सकते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर हम हार गए, डाउट, बलि का बकरा बनेगा नया लीडर। मैम, अब हमें एक नया यंग लीडर चाहिए जिसका अपना कोई एजेंडा ना हो और जो पूरी तरह आपके कंट्रोल में रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसका सरनेम भी आप ही की तरह ठाकुर हो। इम्पॉसिबल। काश मेरा बेटा जिंदा होता। पहले लोग गुफाओं की फोटो निकाला करते थे, अब हम इसे सिर्फ अपनी फोटो खींचते रहते हैं। अगर मैंने किसी कूल जगह जाके वहाँ सेल्फी चेक इन नहीं किया तो वहाँ जाने का पॉइंट ही क्या है? Let him be, babe. I mean, he has like no idea how many followers you have on Insta. Exactly. I have a responsibility to be exotic all the time. दीदी, ये मेरा बेटा है। 4 दिन से इसने कुछ नहीं खाया। अगर थोड़ी मदद कर देती तो। Wait. बेचारे के रिब्स देखो, काउंट कर सकते हैं इन्हें। क्या इसके रिब्स झूठ बोल रहे हैं? इस बच्चे का ब्रॉन्ज टैन देखो, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कब से नहीं आया बेचारा। क्या इसका टैन झूठ बोल रहा है? डोंट वरी साहब, आई विल हेल्प यू। अपना हाथ दिखाइए, ये लो। ओके।
अब दोनों हाथ साथ में और रब अब दिखाइए इतनी गरीबी है ना जस्ट लाइक माय हार्ट स्वेयर यू नो व्हाट आई एम गोना कॉल हेल्प द होमलेस लाइक राइट नाउ यू हैव द नंबर लेट्स गो हेलो हेल्प द होमलेस I've spotted some homeless people and I'd like to help them. Hi, Begum. Hi. Hi. Hey. मैंने help the homeless को बुला दिया. देखिए मैं आपने पैसे दे दिए ना. अब आपका काम खत्म हो गया. अब मैं देखिए बेगर भाई बेगिंग माइट बी योर प्रोफेशन पर उसमें कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है. No. Trust me. Think big. Like big. She's right. there's been some kind of confusion. मैं homeless नहीं हूँ. मैं तो सिर्फ एक homeless इंसान की help कर रही थी. आप लोग help तो homeless से ही हो, right? हम government of India से हैं. आप लोग मुझे ऐसे interrogate नहीं कर सकते हो. मैंने movies में देखा है. You like need a lady cop. मैम हम लोग आपको interrogate कर भी नहीं रहे. जैसा कि मैंने कहा, we are government servants. Custom से हो ना आप लोग. Government servants. कहीं जल्दबाजी में हमने गलत इंसान को तो नहीं चुन लिया? बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, बेवकूफ, absolutely clueless. We are from the intelligence department. Intelligence department, जैसे कि बाकी सारे departments stupid होते हैं. She's perfect. We are like the CIA of America, the KGB of Russia. But मेरे पास तो कोई diamonds नहीं है. तो आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं बताती हूँ. मेरा नाम प्रियंवदा ठाकुर है और तुम तानिया मेरी इकलौती पोती हो. पोती as in you're like my daddy? Yes. मेरी डैड की मॉम. Yes. आप वही चुड़ैल हो. That cold, cruel bitch from hell. Excuse me? But आप तो मर गए थे ना? She's a politician, no. Politician इतने आसानी से मरते कहाँ हैं? अशोक, आप मेरी दादी नहीं हो सकती. मैं ही तुम्हारी दादी हूँ. तुम्हारे डैड ऋषि ठाकुर मेरे इकलौते बेटे थे. तुम्हारे नाम के आगे ये बंसल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि तुम्हारी माँ अमृता बंसल ने तुम्हें अपना मेडन नेम दिया. ओके दादी, आई बिलीव यू. लेकिन अगर आपको मुझे मिलना ही था तो ये जेम्स और बॉन्ड को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? हम काफी के लिए मिल सकते थे. आप कौन से प्राइम मिनिस्टर हो? मैं प्राइम मिनिस्टर ही हूँ. दिल्ली की? इंडिया की. Yeah, right. My God.
है कि मैं चाहती थी कि तुम कभी इंडिया ना जाओ। मॉम, आपने मुझे झूठ क्यों कहा कि दादी मर गई है? मेरे लिए तो मर चुकी है। आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि शी इज लाइक द पीएम ऑफ इंडिया? तानिया, सबको पता है, सिर्फ तुम क्लूलेस हो। एनीवे मॉम, आपने जो किया बहुत गलत किया। आपकी वजह से मैं इतनी साल दादी से दूर रही। तानिया, यू डोंट अंडरस्टैंड, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया। वो औरत नहीं, सांप है, सांप। मॉम, आपका योगा क्लास का टाइम हो रहा है, राइट? चॉइसन, चिल आसन। यस मैम, ने आपको बुलाया है। ऋषि मेरा एकलौता बेटा था। मैं चाहती थी कि मेरे बाद वो पार्टी प्रेसिडेंट बने। तुम्हारे जन्म के बाद उसे लंदन में नौकरी मिल गई पायलट की। कुछ ही महीने बाद उसका प्लेन का एक्सीडेंट हो गया और वो गुजर गया। तुम्हारी माँ और मेरी कभी बनती नहीं थी। वो इंडिया वापस नहीं आई और मैंने भी कभी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। Until now. लेकिन अभी क्यों? I'm dying. मुझे ब्रेन ट्यूमर है and it's in the advanced stage. Oh, दादी! Now I get it. Hashtag FOMO. Hashtag FOMO. Fear of missing out. Oh. No, Tanya. I'm not afraid of death. मुझे आज भी वही डर है जो पहले था, कहीं ठाकुर खानदान का नाम मेरे साथ खत्म ना हो जाए। Okay. लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रही है? क्योंकि मुझे एक वारिस की जरूरत है। I need a successor. Oh, that's a great idea. And I can see one. What's her name? Asha, right? Labor reform. Nice one, Dadi. I meant you. Oh, Asha. Wait. What? हाँ तानिया, तुम ही बनोगे देश की नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आपने विक्की का डूबी मारा है क्या? तानिया बंसल से तानिया ठाकुर बनने का समय आ गया है। You're born to rule. Oh my God. I was born to rule the fashion industry. The runway needs me. The nation needs you. I need you. But मुझे तो आपकी पार्टी की emoji भी अच्छी नहीं लगती है। Please, don't say no. मुझे पता भी नहीं है कि Prime Minister क्या करती है। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। Please, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं रोज साड़ी नहीं पहन सकती। No problem. What about Sundays? Sundays को मेरा spa day होता है। एक बार politics join कर लो, every day is going to be a spa day. Is that okay? Okay. Final question. क्या मैं weekends पे party कर सकती हूँ? The state ballroom is all yours, ma'am. I love my new job already. Guess what? I'm gonna be PM! Yo, Alia, to me? Sonam? Oh,
रेचल तो मैं मनिका टू पीएम तो मैं प्रेजी लोग मुझे इसलिए नहीं चुनेंगे क्योंकि मैं अच्छी हूँ लोग मुझे इसलिए चुनेंगे क्योंकि इनके ऑप्शंस इतने खराब हैं By elections अनाउंस कर दीजिए ओके यू गाइस स्वतंत्र दल पार्टी के लिए कोई हैशटैग सोचो ना हाउ इज लाइक हैशटैग सैड हैशटैग ऑसम सास ओके लेट्स डू इट हैशटैग पीएमओ इंडिया हैशटैग हियर आई कम हैशटैग हॉट चिक्स रूल हैशटैग मंडेज जस्ट गॉट बेटर More like high elections. ये मेरा first time है. I'm like an election virgin. आपकी goodness at least मुझ पर तो कोई असर नहीं कर. Tell me, अगर आप अपनी दादी की सीट से ये election जीत जाती, तो पहला कदम क्या उठाई? जब मीडिया तुमसे पूछे कि PM बनने के बाद तुम पहला कदम कौन सा उठाओगी, तो क्या कहोगी? ये वाला. क्योंकि दूसरे पैर का नेल पेंट चिपटा. नहीं तुम कहोगी कि तुम ब्लैक मनी वापस ले आओगी बोलो मैं ब्लैक मनी वापस लाऊंगी और करप्शन को खत्म कर दूंगी पिछले 70 साल से हमारे नेता ब्लैक मनी वापस लाने की कोशिश कर रहे वादे कर रहे आप बताइए आप कैसे लाएंगे ब्लैक मनी वापस इन एन एरोप्लेन डा व्हाट मैडम ये लड़की अगर 6 महीने के लिए पीएम बन गई तो लोग कहेंगे कि अच्छे दिन अगर ऐसे हैं तो पुराने वाले बुरे दिन ही ठीक थे दिस इज नॉट जोक तान्या ठाकुर दिस इज माय शो दिस इज नॉट जोक एनी कोई मेमोरी प्रॉब्लम है क्या ये बार-बार सेम चीज क्यों रिपीट करते रहते हैं आई डेयर यू टू से दैट अगेन आई डबल ट्रिपल डेयर यू टू से दैट अगेन तान्या ठाकुर व्हाट आर यू लाइक 5 आर वी डन हियर एक मॉर्निंग सेल्फी हो जाए Hashtag Starburst. This is smooth. मैंने सुना है तुम समरपुर से इलेक्शन लड़ने जा रही हो. Are you prepared? Like totally. मैंने अपना hand wave भी प्रैक्टिस कर लिया है. Fantastic. You know, अगर तुम इलेक्शन हार भी जाती हो तो तुम्हारा फैशन ब्लॉगिंग का जॉब हमेशा तुम्हारा ही रहेगा. Oh, you guys are so sweet. I'm gonna miss you guys. All the best, Tanya. Insta pe photos dalte rehna and keep in touch. Okay, PN. PN. Bye now. Bye now. Okay, bye. Boss, Sumerpur ke liye aur kitna time? Sir, 4 ghanta lage. 4 ghanta? Oh God. But you guys. Hashtag party mode on, bitches. Okay. Bye, bo. Music. मैम तानिया का ये बाई इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वो कहीं से भी इलेक्ट नहीं हुई तो प्राइम मिनिस्टर बनने का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाई फिक्र मत करो अशोक सुमेरपुर से हमारा पुतला भी खड़ा हो जाए तो वो भी जीत के आएगा
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, यह अरुणा जी प्रेमवदा जी की पार्टी की सदस्य पिछले 10 सालों से हमारे गांव के साथ हैं, और आज यहां दिल्ली से खास हमें तानिया जी से मिलवाने के लिए आई हैं। धन्यवाद सरपंच जी। अरुणा जी, पर तानिया जी क्यों? आप जैसी कोई उम्मीदवार क्यों? शायद तानिया जैसे मेरे नाम के आगे ठाकुर नहीं लगता, इसीलिए। खैर, आप सब लोग तानिया जी से खुल के बात कीजिएगा अपनी समस्याओं के बारे में। अब आपकी सारी समस्याएं जो हैं, वो सब तानिया जी की। ठीक है, ये तानिया जी आ गए। मेरे आवे जुगनी मोला मेरे आवे जुगनी अल्ला मेरे आवे जुगनी कहंदी है जड़ी नाम साईं दा लैंदी यहाँ के सरपंच है। नमस्ते। सरपंच? You mean he got knighted? So, sirpunch. You know, they call me the queen. And I could knight you tonight. She's kidding. Where is she? Won't you try and be a bit more just like me? Yeah. मेरे जैसी क्या कोई और भी है? लड़कियां despise me, मुझे किसी की परवाह नहीं। Well, I would too if it were not me, yeah. Let's go. The dumbest PM candidate. Ever? What the F? You know, this is why I don't read newspapers. Only Cosmo. तो पढ़ना शुरू कर दो तानिया। क्या पता कल तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। किधर? Hear this. Tanya Thakur's heart is in the right place. Someone likes you, not that bad. तुम दोनों थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? तानिया को अपने स्पीच पे काम करना। ये लो, शुरू हो जाओ। ओके। भाइयों और बहनों। बहनों। मैं भारत में नहीं रहती थी, मगर मेरे अंदर झांक के देखो। झांक के देखो? Meaning what? Like look at my boobs? Oh. ये कोई तरीका नहीं होता elections जीतने का रोना जी। ये राजनीतिक भाषा है जो तुम्हें। राजनीतिक भाषा? आपकी इतनी ट्रेनिंग के बाद मैं भी राजनीतिक भाषा जानती हूँ अरुणा जी। अब तो मैं अपने सारे फेसबुक फ्रेंड्स को भी मित्र बुलाती हूँ।
इस बहुत बड़ी ऐप लेकर आई मैं भारत में नहीं रहती थी मगर मेरे अंदर झांक के देखो हिंदुस्तान मिलेगा ये पॉलिटिक्स हम जैसों के लिए नहीं है इट्स फॉर गुंडाज लाइक योर दादी देखो और दो तीन दिन झेल लो फिर पहली फ्लाइट पकड़ के वापस लंदन आ जाओ टिल दैट टाइम थिंक ऑफ इट एज अ हॉलिडे अ हॉलिडे दिस प्लेस सगड़ी फक इज अ मॉम पता नहीं इसका नाम सुमेरपुर क्यों रखा इसका नाम तो समरपुर होना चाहिए था इतनी गर्मी है यहां पर इट्स लाइक बीइंग इन अ सोना बट ऑल द टाइम नताशा इज कॉलिंग आई विल कॉल यू बैक बीएन हेलो तानिया तुमने जो अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पे ट्राइबल वुमन विद ज्वेलरी वाली पिक्चर डाली है ना या हमें उसके लिए बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं एंड आई एम थिंकिंग ज्वेलरी एग्जिबिट करने के लिए व्हाई डोंट वी डू अ फैशन शो फैशन शो या ऑफ कोर्स ग्रेट कोई जगह है तुम्हारी नजर में वेयर एल्स बट समरपुर यू मीन द विलेज समरपुर Mm-hmm. You'll love it, Natasha. It's this gorgeous place. Very exotic, very sunny, perfect for a tan. Fantastic. Main bias bhejti hu. Tum fashion show ki taiyari karo. Done. Hashtag fashionista. फैशन शो मतलब जहाँ पर लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहन के ठुमक ठुमक के चलती हैं sort of, kind of. तो यानी बाहर से गोरी लड़कियाँ भी आएंगी यहाँ शो में हिस्सा लेने के लिए नहीं मिस्टर पंच मॉडल्स कहाँ से होंगी गांव की औरतें हमारे गांव की औरतें छोटे छोटे कपड़े पहन के सबके सामने आएंगी आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया नहीं मिस्टर पंच गांव की औरतें कोई कपड़े नहीं पहनेंगी क्या I mean, वो उनके खुद के ही कपड़े पहनेंगे साथ में उनकी बेस्ट ज्वेलरी फॉरन से लोग आएंगे ये गहने खरीदेंगे आप सब पैसा बनाओगे और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे पैसे? हाँ? तो पंचो क्या राय आपकी तानिया जी की बात से सहमत हो आप अगर आप सहमत हो तो हम भी सहमत हैं। सही बात है। ठीक है तानिया, तुम वहां इलेक्शन लड़ने गई हो फैशन शो करने के लिए नहीं प्लीज फॉर गॉड सेक बाहर जाके प्रचार करो दादी एवरीबॉडी हेट्स मी हियर फालतू टैन होने के लिए बाहर क्यों जाओ ओके गॉट गो पैंट्स रेडी ओह गॉड तानिया अगर हार गई तो पावर हाथ से गई Show you who's stronger, 'cause I'm the queen, you monger. We girls, we girls, we girls,
Well done. Thank you. अरुणा जी, ये सब इतना सेंटी क्यों हो रहे? आज से पहले नेताओं ने इनसे सिर्फ वादे किए थे. तुम वो पहली हो जिसने इन्हें वाकई में काम दिलाया और हर पैसे का हिसाब भी दिया. शायद नेताओं के पास तुम्हारा कॉमन सेंस नहीं था. You know what, अरुणा जी, कभी कभी कॉमन सेंस से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? क्या? फैशन सेंस. Tanzi, I think I'd seen her that side. Meera! 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 Where is she, man? Oh, I see her. Come here. Someone got lucky. I did not see that one coming. Oh, whoa. You were telling me all about it in the car? समरपुर से ताने ठाकुर की हार तय है. कहा जा रहा है उनके विदेशी हाव भाव गांव वालों को बिल्कुल नागवारा गुजरे हैं. कुछ ही घंटों का इंतजार और फिर हम आपके सामने चुनाव के नतीजे लेकर हाजिर होंगे. लंदन की फ्लाइट एक घंटा लेट है, कम से कम रिजल्ट्स तक तो रुक ही जाते. प्लीज नो. Election wala black nail paint is so ill. It's sad. But you know, guys, At least I'm itne sari memories leke laut rahe na. Hashtag relationship goals. Is your phone buzzing a lot? Mujhe sab tweeto pe kyun tag kar rahe? You two all over India trend kar rahi hai, yaar. What's going on? Tanya, तो actually elections जीत गई है यार. और भारत ने आखिरकार एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया. एक 25 साल की लड़की मिस तान्या ठाकुर इस देश की प्रधानमंत्री बन गई. Holy fuck! अब तान्या ठाकुर हो ना हमारी नई PM. This is my airport look. A historic decision. Tanya Thakur, jinki umar matra 25 varsh hai. India has chosen the next prime minister. And it's 25 years old, Tanya Thakur. Tanya Thakur. Tanya Thakur. करना चाहूंगी देश की नई प्रधानमंत्री जी को सुश्री ठाकुर. सुश्री मींस रिस्पेक्टेड मिस ठाकुर. प्लीज रिपीट आफ्टर मी. मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी. डूड, कुछ भी समझ में नहीं आया. ये तो कोई सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट फॉर्म की तरह है. Can I just like click on agree?
मैं स्वयं के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का as in the past tense of thing. Right? मैं संकुचित या प्रत्यक्ष या प्रकट नहीं करूंगी. Amazeballs, we're done. Mr. Subramaniam, our external affairs minister. Oh, Kangana, Hrithik wala news such a... Hello, excuse me. External affairs, right? Chalo, chalo, chalo. Dadi, who kaun hai? Sachin Ghatke, opposition party leader. Aam Insan Party. Mera favorite party alert. Gatal.com. Dude, he's so not your type. I'm talking one of them behind him. मैडम प्राइम मिनिस्टर, कैसी हैं आप? गुड, हाय, यू? सुबह मैंने आपका शपथ ग्रहण समारोह देखा. सॉरी, व्हाट देखा? ओथ टेकिंग सेरेमनी. ओह, राइट. वैसे लोग जो आपके बारे में कहते हैं, गलत क्या? आई नो, राइट. लोग जो कहते हैं आपके बारे में, आप तो उससे भी ज्यादा क्लूलेस हैं. सॉरी तो आपको होना पड़ेगा ना, देश के साथ खिलवाड़ जो कर रही हैं आप. पर ज्यादा दिन नहीं, अगले हफ्ते जब पड़ोसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आएंगे फॉर द साउथ एशियन समिट, तब आप टिक नहीं पाएंगे वहां पे. और जानती हैं क्यों? क्योंकि मैं आपको टिकने नहीं दूंगा. एनीवे, एंजॉय योर ड्रिंक्स एंड द अटेंशन व्हाइल इट लास्ट. Did I just get like roasted for no reason? Just forget him, babe. इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही. Love is merely a madness. Shakespeare. मेरा वाला शेर गालिब साहब का था. टू लैंग्वेजेस बट सेम थॉट. तो बात वो कर रहे हैं या उन दोनों के जरिए हम? कॉफी. वाओ बेब, यू लुक स्मोकिंग लाइक अ स्लटी सेक्रेटरी. Look! OMG, babe. You look hot. Like it? Hashtag Slay Girl. Yeah! Tell me what you want, what you really, really want. I tell you what I want, but I really, really want. I wanna read you. Good morning. Hi!
मैम, मैं अशोक पांडे, आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो मैं अशोक जी, आपको स्ट्रेस आउट होने की कोई जरूरत नहीं है, मीरा एंड रिकी है ना, दे कैन बी माय सेक्रेटरीज। हाय मैम, कौन से सेक्रेटरीज? सॉरी मैम, आई एम योर प्रिंसिपल सेक्रेटरी। मेरे अलावा आपका एक एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। एडिशनल सेक्रेटरी टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लस 5 जॉइंट सेक्रेटरीज एंड ऑफ कोर्स एवरी जॉइंट सेक्रेटरी विल हैव 1 डेप्यूटी सेक्रेटरी प्लस 6 अंडर सेक्रेटरीज। तो जरा सोच के बताइए कौन से सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं? वेरी वेरी पर्सनल सेक्रेटरीज जो सिर्फ मेरे साथ रहे हर जगह हमेशा। वेरी वेल मैम, हो जाएगा। मैम, अगले मंडे होने वाले साउथ एशियन समिट के बारे में मुझे आपको ब्रीफ करना था। साउथ एशियन समिट, ओके, समिट ऑफ अशोक जी। मैम, ये बहुत सीरियस मामला है, मजाक की बात नहीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में आ रहे हैं और हम सब देश मिलकर अपने बकाया मुद्दों को लेकर डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज बकाया? आउटस्टैंडिंग। थैंक यू, यू रियली आर अमेजिंग। थैंक यू, बट अब जवाब तो दे दीजिए। मैम, बकाया का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है। बकाया मुद्दे मतलब आउटस्टैंडिंग इश्यूज, जैसे ट्रेड, टेररिज्म, कश्मीर। कश्मीर सुना तो होगा मैम, 1947 से भारत पाकिस्तान कश्मीर को लेकर लड़ जो रहे हैं। तो एक्चुअली कश्मीर किसके पास है? दोनों के पास। दोनों के पास है फिर भी लड़ रहे? प्लीज अंडरस्टैंड, फर्ज कीजिए कि आपके पास सैंडल्स हैं। स्टिलेटोस अशोक जी, सैंडल्स आर सो यस्टरडे। स्टिलेटोस, ठीक है स्टिलेटोस। मान लीजिए कि आप दोनों के पास एक पैर ऑफ स्टिलेटोस है और आप दोनों के पास एक एक है, तो दूसरे पैर के लिए आप लड़ोगे कि नहीं? दूसरा पैर होगा तभी तो पैर होगा। मैम, मेन मुद्दे पे आ जाए। मैम, साउथ एशियन समिट का मेन मुद्दा जो है वो है शांति प्रस्ताव। पड़ोसी देश के अलावा सभी देशों ने इस पे साइन करने की मंजूरी दे दी है। ओके अशोक जी, बताइए वो साइन क्यों नहीं कर रहे? हमारे शांति प्रस्ताव की सबसे पहली शर्त यह है कि कोई भी देश अपने पड़ोसी देश में टेररिज्म स्पॉन्सर नहीं करेंगे। FYI, उनकी कंट्री की फैशन इतनी अच्छी है। So amazing. वो क्यों नहीं स्पॉन्सर करते? Like, you know, palazzos and harem pants and tunics. Don't worry, अशोक जी, मैं उन्हें समझाऊंगी कि ये टेररिज्म स्पॉन्सर करना बंद करें। फैशन जिहाद इज सो मच बेटर। Outstanding. You mean bagaya? What is it that I see in your eyes? It seems to me more than the print I have read in my life. Ah, सही कहते हैं। शायरी के असली मायने तभी पता चलते हैं जब आप मोहब्बत में पड़ जाएं। Excuse me? मोहब्बत? I mean Urdu for love. Oh. What love? Huh? Already? You serious? रियाज, हम दो हफ्ते पहले मिले। मेरे दो हफ्ते पूरी जिंदगी के बराबर हैं। हम हर रोज मिलते हैं, हर शाम फोन पे बातें करते हैं, अल्फाज खत्म हो जाए तो वही बातें दोबारा करने लगते हैं। ये प्यार नहीं है तो और क्या है? This is not called प्यार, this is just called hanging out, रियाज। Please take it a little easy. Good morning, ma'am. देखो कोई फायदा नहीं मैम, माय वाइफ इज वेरी कंजर्वेटिव। फ्रंट पेज अशोक। कैन दिस रुकी पॉलिटिशियन गेट द पीस ट्रीटी साइंड? ये पीस टॉक्स किसी भी तरह से फेल होने चाहिए अशोक। ये टॉक तो हमेशा ही फेल होते रहते हैं। जिस दिन ये समिट खत्म हो जाएगा उसी दिन मुझे हेडलाइंस चाहिए। क्या तानिया ठाकुर इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे बुरी प्राइम मिनिस्टर है? वो बेचारी खुद ही इतनी मेहनत कर रही है, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। ये कवर तो मैं ऑलरेडी इमेजिन कर सकता हूँ,
diverse politician in the history of the world. Done. अभी अभी दिल्ली में एक टेररिस्ट का स्लीपर सेल पकड़ा गया। जहाँ टेररिस्ट होते ऐसे कुछ समझ लीजिए, वैसे बाकी सारे तो हमेशा के लिए सो चुके हैं, लेकिन एक टेररिस्ट जिंदा पकड़ा गया है। क्या हम उसे मिल सकते? हम एज इन आप दोनों? हम दोनों एंड विकी। मैम वो एक टेररिस्ट है, कोई ताजमहल नहीं जिसे आप देखने जाएंगे। अशोक जी प्लीज, मैंने कभी कोई लाइव टेररिस्ट को नहीं देखा है। मैम वो कोई सलमान खान नहीं है जिसको लाइव इन कॉन्सर्ट में देखने जाएंगे, आप इसे टेररिस्ट। मैम अशोक जी, अगर मैंने किसी टेररिस्ट को देखा ही नहीं है तो मैं टेररिज्म का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगी? देश का सवाल है, प्लीज ऑर्गेनाइज द विजिट। यस मैम। यही तो है। ये बाकी क्या है? Hashtag half terrorist. आपका नाम क्या है टेररिस्ट भाई? असगर बशीर कुर्रम दाऊद। सॉरी टेररिस्ट भाई, हमें अरबिक नहीं आता है। ये हमारा नाम है, असगर बशीर कुर्रम दाऊद। स्कूल में सब आपको ABCD बुलाते होंगे, राइट? छोटे दी जान बुलाते थे जी, छोटे दी जान। So, टेररिस्ट भाई, जब आपको स्कूल में ऐसे लिखवाते थे कि आपको बड़े होके क्या बनना है, आप क्या जवाब देते थे? टेररिस्ट? स्कूल तो कभी हम जा ही नहीं पाए। लिटरली टीरियल जी की शाहरुख की तरह बाल है, लेकिन साथ में काजोल की जगह गन, और बेचारे को थोड़ी देर में फांसी भी हो जाएगी। You guys, too young to die. It's okay. Pardon, hello. वाकई में? हाँ, फांसी तो होगी ना, आपकी जॉब में आखिरी प्रमोशन वही होता है। नहीं 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 नहीं, कि हमारे बाल शाहरुख भाई की तरह दिखते हैं। Of course, a diplomacy. Actually ना, हमारे कमरे में बहुत बड़ा पोस्टर हुआ करता था शाहरुख भाई का। हमारी अम्मी का तो फेवरेट हीरो भी शाहरुख खान ही है। अरे वो तो हमारा नाम भी शाहरुख ही रखने वाली थी। कुछ कुछ करे बाजी, बाजी हमें अपनी अम्मी के पास जाना है। बाजी बाजी हमें अपने वतन लौटा दीजिए। बाजी भाई, मुझसे हेल्प मांगने से पहले आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप कभी इंडिया को हार्म नहीं करोगे। Hashtag I love my India. बाजी वैसे तो I also love India. यहाँ का मटर पनीर, शाहरुख खान और विराट कोहली। ओके, वादा तो नहीं कर सकती हूँ, पर मैं सोचूंगी जरूर। But first, let me take a selfie. ये है हमारे देश की प्रधानमंत्री तान्या ठाकुर, जो पड़ोसी देश के आतंकवादी असगर बशीर करीम दाऊद ABCD के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आई। क्या किसी दुश्मन देश के साथ सेल्फी लेना एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? बताइए तान्या ठाकुर। देखिए आपकी ये छोटी सी सेल्फी, एक छोटी सी सेल्फी आपके सरकार गिरने का कारण बन जाए, फिर मुझे मत बोलिएगा। We'll be right back.
हमारे पड़ोसी देश के प्राइम मिनिस्टर अजीज नहीं उनका बॉडी कार्ड है। मिस्टर अजीज की तस्वीर दिखाई थी मैंने आपको। Hi, Mr. Asli Aziz. Welcome to India and my party. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. Good evening, ladies and gentlemen. एक रीसेंट सर्वे के हिसाब से 4 में से 3 पॉलिटिशियंस को हार्ट प्रॉब्लम्स है, हैशटैग जिससे। इसलिए आज के समिट में मैंने आप सब के लिए कुछ खास इंतजाम किया है। राइट ओवर देयर। एनीवेज, द पॉइंट इज नो टैकी, ओनली टैकोस, एंड दैट टू होल व्हीट एंड ग्लूटेन फ्री। एंजॉय एवरीबॉडी, चीयर्स। उर्दू में अर्थक्वेक को क्या कहते हैं? जलजला। ओके। Good evening, Prime Minister. Nice party. Thanks. वैसे मैं आपको thanks बोलने आया था. Gluten-free खाना के लिए. You're welcome. मेरा काम as opposition leader आसान कर लीजिए. You see, usually कड़ी मेहनत करी जाती है प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए. मगर आप, you make Donald Trump look smart. And it's not a compliment. But हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके summit का. You know. To know your thoughts on issues like terrorism, Kashmir, Kashmir. I hope aapne naam to suno. Kashmir ke bare mein mujhe sab kuch pata hai. Kashmir is like a pair of stilettos. Ek pair India ke paas hai aur dusra pair Pakistan ke paas hai aur dono ko ek dusre ka stiletto chahiye. And next time tumne mujhe real life mein troll karne ki koshish ki, main apni sari PR team lekar tumhe SM par aise troll karungi ki tum tumhare sare accounts delete kar doge. Okay, I'm sorry. What is this SM? Social media. What are you, like 40? मिस्टर अजीज, बाकी सबने तो ये पीस ट्रीटी साइन कर दिया है, तो सिर्फ आपका मुल्क ही क्यों पीछे रह जाए? कम ऑन, बी अ लिटिल कॉम्पिटिटिव। गो ऑन, साइन कीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहिबा, अमन तो हमारा मुल्क भी चाहता है, पर आपकी ट्रीटी की पहली शर्त है कि आवर कंट्री शुड स्टॉप स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, और ये हमें गवारा नहीं है। गवारा एज इन लाइक विलेजर? थाने जी, गवारा नहीं है मतलब वी आर नॉट रेडी। लेकिन क्यों? इट सेज हियर आवर कंट्री विल डिसमेंटल ऑल टेररिस्ट कैंप्स बेस्ड इन आवर कंट्री। इट विल आल्सो फ्रीज बैंक अकाउंट्स ऑफ ऑल टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेटिंग आउट ऑफ आवर कंट्री। Our country will also hand over all terrorists to India involved in 26/11. प्रॉब्लम क्या है सर? तानिया जी, जब हमारी कंट्री में टेररिस्ट कैंप्स हैं ही नहीं, तो फिर टेररिस्ट को हैंडओवर करने का सवाल ही कहां से उठता है? आई अंडरस्टैंड, आप डिनायल में। दैट्स राइट, इनफैक्ट ये तानिया को भी हुआ है। या मैं भी डिनायल में थी। गुड थिंग यू रिमाइंडेड मी। जब मैं 18 साल की थी तो मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो मुझ पर बार बार चीट करते रहता था। मेरे सारे फ्रेंड्स ने मुझे उसके बारे में वार्न किया, लेकिन मैंने किसी को बिलीव नहीं किया, क्योंकि आपकी तरह मैं भी डिनायल में थी। फिर एक दिन मैंने उसे खुद अपनी दोस्त के साथ पकड़ लिया। उस दिन मैंने जाना कि डिनायल इज नॉट जस्ट अ रिवर इन इजिप्ट। तानिया जी, हमारा मुल्क खुद दहशतगर्दी का शिकार है और आप हम पे ही दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रही हैं। #TMU
too much Urdu. Ayo ilzamo? Oh, this is not ilzamo. Humne kitni baar, har baar aapka government ko sabut diya hai. Par aapke sare sabut hamare court mein aake dam tod dete hain, Supreme sahab. Ab aapke paas agar kuch thos hai, to use leke aaiye. We will talk about it. Aur jab tak ye clause is treaty mein hai, we are not going to sign this treaty. Excuse me, gentlemen. हर साल यही होता है, वो पाकिस्तान की वजह से और इंडिया की वजह से. पीस ट्रीटी को भी साइन हो ही नहीं सकता है. मैम, जैसा आप चाहती थी वैसा आप हो गया. कॉन्ग्रेचुलेशंस. हर चैनल, हर पेपर, सब ने मिलकर तानिया को डिस्ट्रॉय कर दिया. एक दिन ऐसा आ जाए कि लोग इस लड़की से इतनी बेजार हो जाए कि मुझसे आके कहे कि आप फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाइए. काम हो जाए. हो सकता है कि इस समिट के खत्म होने तक तानिया की प्राइम मिनिस्टरशिप ही खत्म हो जाए. आप देखते जाइए. क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या कर रहे हो इधर? I thought it was a passing shower. It's in fact a hurricane. इश्क में तेरे बेबाक हो गए, धोए गए ऐसे कि बस बाक हो गए. कमिटमेंट चाहिए ना तुम्हें? नहीं, पूरी लाइफ की चलेगी. ओके. आई लव यू. प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने यह दावत खास हमारे लिए रखी है. हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं. मैं तो बस ये चाहती थी कि हमारे बीच का आइस ब्रेक हो जाए, वरना कल का हेडलाइन होता He's just not that into you. That's good. That's really good. Thank you. Please sit. जी. Thank you. अजीज साहब, क्योंकि ये दावत आपके सम्मान में रखी गई है, हमने आपके मुल्क से कुछ दिग्गज मेहमानों को आमंत्रित किया है. सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मशहूर गजल गायक उस्ताद इनायत अली खान साहब को. क्या उस्ताद साहब खुद? सलाम सलाम. और आपके साहबजादे भी आए हैं. हमारे दूसरे मेहमान मशहूर क्रिकेटर मोइन अली, जो आजकल भारत के एक टीवी चैनल में कमेंट्री भी करते हैं. वाह. प्राइम मिनिस्टर साहिबा, अगर सारे मेहमान आ गए हो तो हम दावत शुरू करें. बस एक आखिरी मेहमान बाकी है. आप ही देश से हैं. आप शायद इन्हें नहीं जानते, लेकिन ये आपको जानते हैं. अच्छा. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम असगर बशीर करीम दाऊद. अस्सलाम वालेकुम वज़ीर आलम. वो दहलीज़ का ये कौन है? ये टेररिस्ट है सर. आप ही कंट्री से है. हमारे सोल्जर्स ने इसे दरियागंज में अरेस्ट किया. देखिए ये क्या बेहुदा मजाक है. मजाक नहीं है, ये एक्चुअली आप ही के कंट्री से है. जी जनाब, हम आपके केवल मुल्क से ही नहीं, आपके शहर से नहीं, हम आपके गांव से हैं. द
दरअसल आपके वालिद साहब और हमारे दादा जान एक साथ स्कूल में जाया करते थे। आई नो कि आप इन्हें नहीं जानते, लेकिन आपके ही मुल्क में कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जिनकी लोकेशंस ही आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे। वो लोग इंडिया में मिलिटेंट्स को भेजना चाहते हैं, जो यहाँ अटैक करना चाहते हैं। असगर की एक ही ख्वाहिश है कि वो वापस अपनी मम्मी के पास जाना चाहता है, और इसने मुझे प्रॉमिस किया है कि इसके बाद ये इंडिया के खिलाफ कोई अटैक्स नहीं करेगा। सो एज अ जेस्चर ऑफ पीस, हम असगर को आपको वापस हैंड ओवर करना चाहते हैं। तो आप जब चाहेंगे, प्लीज असगर को आपके साथ लेकर जाइए। मैडम प्राइम मिनिस्टर, आप किसी भी एक्टर को यहाँ लेके बिठा देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि हम सब यहाँ मान लें कि ये हमारा सिटीजन है। मैडम ये पॉलिटिक्स नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, ये नौटंकी है। Do you understand that? नहीं जनाब, हम ऊपर वाले की कसम खाकर कह रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सचमुच आपके मुल्क से हैं, और आप चाहें तो आप सबके सामने हमारे घर पर फोन मिला लीजिए। आप चुप रहे। अजीज साहब, why don't you call on this number? या फिर एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये सच में एविडेंस है that terror camps do operate out of your country. शरदने साहब, मैं ये मिस्टर अजीज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये टेररिज्म जो है वो हमारा पूरा रीजन को दीमक की तरह चाट रहा है। जी मैम, मैं आपसे सिर्फ इतना अर्ज कर कि आप प्लीज इस पीस ट्रीटी पर साइन कर दीजिए, वरना आई एम सॉरी टू से, हमको आपके साथ में पूरा डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ना पड़ेगा। व्हाट? आई एम अफ्रेड श्रीलंका विल हैव टू डू द सेम। दिस इज अटर नॉनसेंस, दिस इज, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, दिस इज जस्ट नॉनसेंस। आई एम सॉरी बट Mr. Aziz, what's the problem? Prime Minister Sahiba, ये सब क्या है? ये है आपकी मेहमान नवाजी? मेहमान को घर बुलाकर ऐसी तोहीन करती हैं आप? I don't understand, Mr. Aziz. आपको तो खुश होना चाहिए कि कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे वर्ल्ड मीडिया के सामने आपको आपकी सिटीजन वापस कर रहे हैं। What? अब क्या करें? कैसे निकले ऐसे? आप अमन के मसीहा बन जाए। अगर हमने ऐसा किया ना, पीसीटी पे साइन किया, तो पूरा मुल्क हमें बुज़दिल कहेगा। और अगर इस्लामाबाद की एयरपोर्ट पे टेररिस्ट के साथ प्लेन से नीचे उतरते हुए देखे गए तो क्या समझेंगे? प्राइम मिनिस्टर साहिबा, मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में जो भी कहा सुनी हुई है हम उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक गिफ्ट भी देना चाहता हूं। इज इट अ हैंडबैग? नहीं मैम, एक हैंडबैग से भी ज्यादा कीमती गिफ्ट है। मैं जो आपकी पीस ट्रीटी है ना, उसे साइन करना चाहता हूं। गेट आउट, दैट्स अमेजिंग। मैम, जब हम दोस्त हो गए तो एक दोस्त की तरह मुखातिब होके मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये टेररिस्ट का जो चैप्टर है ना, ये क्लोज हो जाए। कौन टेररिस्ट? मैम, ये असगर बशीर करीम दाऊद। I know, Mr. Aziz. Joke tha. Duh. Bring it in. First of all. भारत के इतिहास में पहली बार एक साथ सभी पड़ोसी देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अब हैरत की बात यह है कि इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। क्या यह प्रधानमंत्री तान्या ठाकुर की सूझबूझ है, या उनका कोई नया पैतरा, या फिर कोई तुक्का जो सही निशाने पर लग गया? ठाकुर की काबिलियत पर सवाल तो उठते रहेंगे। अब देखते हैं कि चुनाव में क्या होने वाला है। तब तक देखते रहिए मुझे। Your loving is so short and forgetting. Forgetting is so long. Pablo Neruda. चलो तो फिर से अजनबी बन जाते हैं हम दोनों। साहिल लुधियानवी, तुम मेरी लाइफ से नहीं जा सकते। डू गेट इट? नहीं, हम कुछ है कि नहीं? कोई हम नहीं है, कुछ हम नहीं है। इट्स ऑल ओवर रिकी। व्हाट डू यू मीन इट्स ऑल ओवर?
एंड क्यों? आई नीड एन एक्सप्लेनेशन फॉर इट, टेल मी। तुमने मेरे पापा का रिएक्शन देखा था ना उस दिन? तो मेरे पापा रिश्ते के लिए कभी हानि करेंगे? अगर रियाज हफीज और डैड, आई एम श्योर उनके से मेक हिम अंडरस्टैंड। मगर मगर की बात ही नहीं है। मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, मैं उनके लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। एंड मैं क्या करूं? व्हाट डू आई डू? आंख बंद करो तो मैं भूल जाऊं। दैट्स व्हाट यू वांट मी टू डू। रिकी, मेरी बात मानो तो यही ठीक है। अलविदा। मिजू। हमेशा के लिए। प्लीज। एंड्रियास ब्रोक अप विद मी। उसके डैड को तेरे से क्या प्रॉब्लम था? उसके डैड को बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम है। टाटा मैं गाय। वो अपने बेटे का गे रिलेशनशिप कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, टैंस, नेवर। लेकिन क्यों? क्योंकि अपेरेंटली इस देश में बीइंग गे इज अ क्राइम। रियली? लेकिन क्यों? क्यों क्यों क्यों? तुम्हें सेक्शन 377 के बारे में कुछ नहीं पता? जीसस, तुम्हें पीएम किसने बनाया है? अशोक जी। आपने बुलाया था? जी अशोक जी। सेक्शन 377 क्या होता है? आईपीसी धारा 377 की बात कर रही? जी मैडम, आईपीसी धारा 377 के अनुसार कोई भी अननेचुरल सेक्स करता है तो उसके लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा होती है, और दिस इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। अननेचुरल सेक्स? उन्हें कैसे पता है अननेचुरल सेक्स क्या होता है? मदर नेचर ने उन्हें बताया? एनिमल्स ने तो बताया नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स में होमोसेक्सुअल टेंडेंसीज होती हैं। अशोक जी, आई थिंक हमें ये लॉ चेंज करना पड़ेगा। कम से कम हमारे संस्कृति का तो ध्यान रखिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर अशोक जी, बट अकॉर्डिंग टू गूगल होमोसेक्सुअलिटी तो हमेशा से ही हमारे संस्कृति का पार्ट थी। तभी तो खजुराहो जैसे कई साइट्स में अभी भी होमोसेक्सुअल पोजीशंस डिपिक्टेड हैं। देखिए, लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि सेक्शन 377 हम कैसे बदल सकते हैं? मैम, लॉ चेंज करने के लिए पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। लॉ चेंज करने के लिए पैसे देने पड़ते? मैडम, लॉ चेंज करने के डॉक्यूमेंट को पार्लियामेंट में बिल कहते। ये डॉक्यूमेंट पहले पढ़ा जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, उसके बाद वोटिंग होगी, और इसके बाद अगर मैच्योरिटी ऑफ वोट पड़ेंगे तब ये बिल लॉ बन जाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ग्रेट, साउंड्स लाइक अ प्लान। चेंज इज कमिंग। बिलिंग determined. सुना बंद कर। हम नेता हैं, विधायक हैं, वे एमपीस, और अगर ये कानून कोई बदल सकता है ना तो हम लोग हैं। सिर्फ कानून ही नहीं, लोगों का नजरिया भी बदलना है। देख, आसान तो नहीं होगा, मुश्किल होगा, इनफैक्ट बहुत मुश्किल होगा, मगर तेरे भाई में भी दम है, और तेरे भाई किससे कम है। सर, सचिन, सालों की लड़ाई जा सकती है इसमें, किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना, तो हम क्यों नहीं। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था कि मैं आज ही प्रधानमंत्री से जाके इस बारे में बात करता हूँ। तानिया ठाकुर से? दैट डम चिक। रियाज, तूने देखा है ना उसने वो टेररिज्म वाला केस कैसे हैंडल किया था? फॉर ऑल यू नो, वो इसमें भी हमारी मदद कर दे। वेरी गुड, मतलब ऑपोजिशन और सरकार की एक और मिली भगत होने वाली है। क्या बात है सचिन मियां। कैबिनेट गुड लुकिंग होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो वो फास्ट डिसीजंस लेंगे, फास्ट डिसीजंस लेंगे तो वो पॉपुलर होंगे, पॉपुलर होंगे तो वो फिर से इलेक्ट होंगे। 2, 3, 4, 5, 6 की मार्चिंग। 3, 4 एंड सर्कल, सर्कल एंड टर्न इट अराउंड एंड टर्न इट द अदर वे, टर्न session, guys. Remember, a fit cabinet is a fit cabinet. Yeah. Hey, hey, hey.
मैडम प्राइम मिनिस्टर, मैडम प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ. मुझे नहीं पता था कि आप इतनी अच्छी पीएम साबित होंगी. What? Like it's hard? क्या माफ किया? रानी जी, एक्चुअली मैं आपसे कुछ काम की बात करना चाहता था. Let me guess, Vicky और रियाज के बारे में, right? आप जानती हैं? Of course, Vicky मेरा BFF है. I know everything. और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आज भी हमारे देश में एक सदियों पुराना कानून लागू है. Exactly. Not only is he adorable, but he totally gets me. मैं एक्चुअली तानिया ठाकुर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ. Unbelievable. You know, अगर हम outdated fashion को overthrow कर सकते, तो outdated laws को क्यों नहीं? है ना? बिल्कुल. I'm quite glad that we're on the same page. When will we get on the same bed? मैं सोच रहा था कि हमें बिल पार्लियामेंट में जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए. I completely agree. In fact, मैंने तो स्लोगन भी सोच लिया है. कौन सा लॉ सबसे बदतर? 377. 377. That's cute. I mean, good. But ये बिल टेबल करने से पहले आपको उससे भी बड़ा काम करना पड़ेगा. अपनी दादी को कन्विंस करना होगा. Oh. Don't worry, मैं उनसे आज ही बात करती हूँ. What nonsense, Tanya? अशोक जी कह रहे थे कि तुम धारा 377 रद्द करना चाहती हो. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? Please, Dad. This law is just a bell bottom. Outdated, बकवास और ass पे बहुत tight. According to Google, ये law 1860 में बना था. I'm pretty sure तभी आप भी नहीं पैदा हुए थे. Homosexuality एक मानसिक बीमारी है. तुम्हारे दोस्त को इलाज की जरूरत है. इलाज? As in like treatment? Yes, treatment. Oh, darling, you're so naive. कोई भी इलाज किसी को गे से स्ट्रेट नहीं बना सकता है. Trust me. मेरे बहुत सारे डिजाइनर फ्रेंड्स हैं जो गे हैं. In fact, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ. आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे. और मैं तुम्हें मिलवाऊंगी स्वामी धर्मदास से, प्रसिद्ध योग गुरु. उनका दावा है कि वो ये बीमारी दूर कर सकते हैं. के बाद मैरिजुआना को भी लीगलाइज करवाने वाली हूँ. देश में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं और तुम ये सब बातें सोच रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें. मैं आज ही स्वामी जी को बुलाऊंगी और अगर उन्होंने तुम्हारे दोस्त को ठीक कर दिया तो तुम्हें ये बेहुदा बिल भूल जाना पड़ेगा. और अगर स्वामी जी हार गए तो आपको मुझे परमिशन देना पड़ेगा ये बिल पार्लियामेंट तक लाने के लिए. स्वामी जी कभी हार नहीं सकते. तो मेरी तरफ से भी #challengeaccepted. रोगियों, चिंता का कोई विषय नहीं है. समलैंगिकता एक मानसिक रोग है जिसे ठीक किया जा सकता है. वैसे हमारा 7 दिन का कोर्स है होमो से हेट्रो विद इन 7 days. सर, आप कह रहे हैं कि आप 7 दिन में इनका ओरिएंटेशन बदल देंगे? हाँ, क्योंकि सब कुछ यहां पर है. बुद्धि, जब हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं तो हमारे शरीर में बदलाव आते हैं. हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हमें पसीना आता है और इन यंत्रों से हम इनके लक्षणों की जांच करेंगे. Really? आप ट्राई करना चाहेंगे तानिया जी? Of course. ये मेरा टाइप का नहीं है. तो आपका क्या टाइप है तानिया जी? Wow, this really works, huh? सचिन, आप ट्राई कीजिए ना. हाँ हाँ, कर ले कर ले.
OMG, ये तो मेडिकल टिंडर है। स्वामी जी, मैं भी ट्राई करूं? अब आप उनकी तरफ देखिए जो आपको आकर्षित करते हैं। देखी तो रही। या अब सनी लियोनी की तस्वीर लगाएं। यही है समलिंगिकता की निशानी। इन लोगों को औरतों में दिलचस्पी नहीं है। इनका इलाज तो मैं आज से शुरू करता हूं। नहीं बस, ये सात्विक भोजन है, ये तुम्हारे शरीर का शुद्धिकरण करेगा। स्वामी जी, 7 दिन पूरे हो गए हैं। मुझे यकीन है कि आपने इन दो बालकों को ठीक कर दिया होगा। अवश्य, और अब हम फिर से नियंत्रणों का उपयोग करेंगे। पर्दे पर कन्या की जी तस्वीर को प्रकाशित कीजिए। सनी लियोनी, वाओ मैन, यू लुक एट दैट, सो कूल। So look at that. I love that hair color, yeah. ये सब क्या हो रहा है स्वामी जी? मुझे लग रहा है कि यंत्र में कहीं दुविधा आ गई है, मैं अभी देखता हूँ। स्वामी जी, आप ट्राई क्यों नहीं करते हैं? तब तो पक्का पता चल जाएगा। हाँ पंडित जी, गो अहेड। कम ऑन, ट्राई। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब स्वामी जी? खामोखा के मैंने आप पर भरोसा किया। निकल जाइए यहां से, जाइए। दादी, सेक्सुअलिटी थोड़ी ना कोई हेयर स्टाइल है कि बस बालों पे हॉट आयरन लगा दिया और तेरे से स्ट्रेट हो गए। इट्स लाइक आवर फैशन सेंस, वी बर्न विद इट। आई एम सॉरी दादी, लेकिन आपके चैलेंज हार गई। तो आपको मुझे परमिशन देना ही पड़ेगा ये बिल पार्लियामेंट तक लाने के लिए। मैं मानती हूं मैं हार गई और तुम जीत गई। परमिशन ग्रांटेड। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं तानिया की इस बचकानी हरकत के लिए सपोर्ट दूंगी? बिल्कुल नहीं। आप लोग समझे नहीं? मैं बताती, एक तीर में दो निशाने, पहले तानिया फिर सचिन, दोनों ढेर। उसके बाद आप सब दोबारा मुझे ही प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे ना? हाँ, मैं तो रोंगटे खड़े हुए। तान्या ठाकुर एक बार फिर निकल पड़ी है इस देश की हवा बदलने, लेकिन इस बार उन्होंने एक संगीन मुद्दा अपने हाथ में ले लिया, धारा 377 को मिटाने का। लेकिन हैरत की बात यह है कि रूलिंग पार्टी की जगह अपोजिशन पार्टी उनका सपोर्ट कर रही है। यह अपोजिशन पार्टी की चाल है रूलिंग पार्टी को गिराने की? या तान्या ठाकुर शांति समझौते की तरह इसमें भी हो जाएगी सफल? मैडम स्पीकर, अंग्रेजों को भारत छोड़े हुए
70 साल हो गए हैं, मगर आज भी उनके कुछ ऐसे दख्यानुसी कानून हैं जो हमारे साथ हैं। ऐसा ये कानून है धारा 377 जो मैं आपकी नजरों में लाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री की सहमति के साथ इस सभा में मैं ये बिल प्रस्तुत करना चाहूंगा जो कि समलैंगिकता को डीक्रिमिनलाइज करते हैं। क्या सचिन जी को ये बिल इंट्रोड्यूस करना चाहिए? जो उनके साथ है वो कहें आए आए। क्या कर रही हैं आप? और जो खिलाफ है वो बोले नो। #LGBTQ, #equality, #love is love. PM साहिबा नई पीढ़ी की नई सोच लेकर आई अपने साथ। उनका मानना है कि अब इस बिल को पास कराने के लिए उनको सभा का नहीं बल्कि जनता का समर्थन चाहिए। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके प्लेट्स में दो टाइप के ग्रेप्स हैं, हरे और काले। पहले हरे वाले ट्राई कीजिए एंड डोंट वरी, दे आर लो इन कैलोरीज एंड हाई इन फाइबर। कैसे लगे, मीठे? ओके, अभी ब्लैक वाले ट्राई कीजिए, ये भी मीठे है। अगर मैंने एक लॉ पास कर दिया जो कहता है कि आज से सिर्फ हरे ग्रेप्स असली ग्रेप्स है और ब्लैक ग्रेप्स बैंड है, आपको कैसे लगेगा? मैं ये कह रही हूं कि नीचे में ग्रीन ग्रेप्स होते और ब्लैक ग्रेप्स भी, तो हम कौन होते ये डिसाइड करने वाले कि कौन सी असली ग्रेप्स है? हम सब अंगूर है और हम सब जूसी है और हम सब में पोटेंशियल है आगे जाके वाइन बनने का। बिल्कुल मेरे दोस्त रिकी की तरह। रिकी मेरे साथ लंदन से इंडिया आया और यहाँ आके बोला गया है कि वो एक क्रिमिनल है जस्ट बिकॉज ही इज गे। आई लव रिकी एंड आई एम डैम प्राउड ऑफ हिम। If you love your gay friend और आप उन्हें support करना चाहते हैं मेरी तरह, then please take a #guilty with them,
और उसे सब जगह डालिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, एवरीवेयर. एंड डोंट फॉरगेट टू टैग मी #YourTaniaSoAwesome. तुम्हें पता है ना, तुम नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही हो, वो भी पूरे 2 दिन से. मैं तो पैदा ही ट्रेंड करने के लिए हुई थी. But Tanya, on a serious note, do you really think इन सब selfies और hashtag से सच में कोई revolution आने वाला है? मैं PM इसलिए बनी थी क्योंकि मैंने एक गांव में सेल्फी लिया था. Yeah, but I hope you know trends 2 दिन में बदल भी जाते हैं. पर revolution भी तो एक ही दिन में आ सकता है. तुमसे तो बातों में जीतना ही मुश्किल है Tanya. चलो anyway. I guess मुझे MP से फिर से बात करनी होगी. Hashtag fingers crossed. Hashtag waiting. Hashtag cute. हम लोगों को तो कुछ बोलना पड़ेगा. तान्या जी देश के धरोहर की धज्जियां उड़ा रही हैं. सोशल मीडिया में तान्या के नाम का ऐसा सुनामी आया है जिसमें पूरा का पूरा भारत डूब गया है. Boys are nowadays clicking picture with boys and girls with girls. ये चल क्या रहा है हमारे देश में? आप लोग खामोखा के परेशान हो रहे हैं, ये सोशल मीडिया वीडियो सब बकवास है. आज गे राइट्स के लिए लड़ रहे, 2 दिन बाद शाहरुख और सलमान को लेके लड़ेंगे. हम विधायक हैं, हम आपको समर्थन नहीं दे पाएंगे. अरे आप एक बार जनता का आक्रोश तो देखिए प्रसाद जी. क्षमा करें. हेलो हेलो. What did they say? हमने इतने सारे एमपी से बात की है. इतना पावरफुल सोशल मीडिया कैंपेन होने के बावजूद एक एमपी नहीं है जो हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हो. आई थिंक कोर्स करेक्शन का टाइम आ गया है. हमें इस मूवमेंट को अब ऑफलाइन ले जाना होगा. You mean like a pride march? मेरे पास कुछ अमेजिंग कलरफुल फेदर वाले आउटफिट्स हैं. नहीं नहीं सानिया, उससे भी कहीं ज्यादा. जब तक इन एमपीज पर इनके खुद के वोट बैंक से प्रेशर नहीं आएगा, ये कुछ नहीं करेंगे. How about this? हम सेम सेक्स के कपल्स को बोलते हैं कि वो मार्चेस करें, एंड एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट दे कैन किस ईच अदर. ओह गॉड, दैट वाज ग्रेट. देखिए बेबी, ऐसा नहीं कर सकते. सबके सब अरेस्ट हो जाएंगे ऑब्सेनिटी के जुर्म में. यू मीन इंडिया में पब्लिक में किसिंग इलीगल है लेकिन पिसिंग नहीं? एग्जैक्टली. वाओ, कितने सारे बिल्स हैं जो मुझे पास करवाने पड़ेंगे. हमें कुछ ऐसा चाहिए जो सीधा जनता के दिल से मंत्रियों के दिमाग तक जाए. यू नो लाइक द कॉल ऑफ द पीपल. व्हाट इफ हम सब अपने एमपीज को मिस कॉल देना शुरू करें? व्हाट? व्हाट डू यू मीन? एज पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया पे हम अपने राइट्स डिमांड कर रहे हैं और फिर भी हमारे एमपीज हमें इग्नोर कर रहे हैं. अपनी आवाज अपने एमपी तक पहुंचाने का एक ही तरीका है, #BeAVoteBank. गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, स्ट्रेट, आदमी, औरत, ये लड़ाई हम सब की है और हमें एक ऐसा वोट बैंक बनना पड़ेगा जो कोई भी पॉलिटिशियन इग्नोर नहीं कर सके. और ये हम करेंगे एक छोटे से मिस कॉल से. अपने एमपीज को फोन कीजिए और उन्हें बताइए कि अगर उन्होंने हमें ये बिल पास करवाने में सपोर्ट नहीं किया तो आने वाले जनरल इलेक्शंस में आप उन्हें वोट नहीं देंगे. अपना पिन कोड डालिए और अपने एमपी का नाम और नंबर लीजिए. एंड जस्ट गिव देम अ मिस कॉल एंड कीप कॉलिंग देम जब तक उनकी फोन की बैटरी खत्म ना हो जाए. #PowerBank. तानिया क्या कर रही है? हम लोगों के लिए तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी.
5000 वोटों से जीता था, अभी तक 6500 मिस कॉल आ गए। अगर मैंने ये बिल सपोर्ट नहीं किया ना तो मैं गारंटीड हार जाऊंगा। अब आप बताइए मैडम मैं क्या करूं? हां मिस्टर मैं आपसे कहां लाएगा फोन रखो। आज वो ऐतिहासिक दिन है जिसका इंतजार पीएम तान्या ठाकुर और अपोजिशन के सचिन घाट के कई दिनों से कर रहे थे। ये बिल पिछली बार भारी बहुमत से हारा था। क्या होगा सभा के फ्लोर पर इस बिल का अंजाम इस बार? यू मे बिगिन द प्रोसीडिंग ऑफ टुडे। मैडम स्पीकर, पिछले कुछ दिनों से एक बात है जो पूरे देश में आग की लपटों की तरह फैल गई है। वो बात जितनी छोटी है उतनी ही बड़ी, वो बात जितनी सरल है उतनी ही मुश्किल। और वो बात ये है कि जब बनाने वाले ने हम सबको बनाया है तो हम क्यों एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं? धारा 377 हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। तो आई वुड लाइक टू रीइंट्रोड्यूस द बिल सीकिंग अबॉलिशमेंट ऑफ सेक्शन 377। यू मे इंट्रोड्यूस द बिल। जो इस बिल के खिलाफ है वो कहे नो। और जो इसके समर्थन में है वो कहे आए। Parliament hereby abolishes Section 377 of IPC, thereby decriminalizing same-sex relationships. गुल्लू क्या कर रहे हो? कैसे शांत रहो जाके? शांत रहो। देखो गुल्लू ये काम तुम पहले भी किए हो। नहीं लेकिन ये हमारी बात सुनो भैया, नर्वस काय हो रहे हो? हम है ना। और सुनो 5 लाख दे रहे ना भाई, बाकी हम है संभालने के लिए। काम हो गया मैडम। क्या अशोक, तान्या को किडनैप करने के लिए
तुमने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया? हाँ मैम, वो मेरे गांव के ही लोग हैं, वसीपुर के। लेकिन मैम देर थोड़ा प्रोफेशनल। मैम बिहार में शादी के सीजन में लड़कों को अगवा करने का जो बिजनेस है उसमें तो उसकी मोनोपोली है मैम। तानिया कोई मामूली विधायक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है और उसके आसपास 2400 जेड प्लस पर है। हाँ मैम, मगर आप भूल रही हैं, तानिया की सिक्योरिटी अब भी हमारे ही हाथों में है। मैम ये चारों उसे किडनैप कर लेंगे और जबरदस्ती उससे इस्तीफे पर साइन करवा लेंगे। जहाँ से हम उसे लाए थे उसे वापस वहीं यूके रवाना कर देंगे। मैम संडे तानिया का स्पा डे होता है, छुट्टी के दिन तानिया की छुट्टी कर देंगे। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दोबारा बिल पास करना पड़ेगा क्या? प्रधानमंत्री अपने सब्जेक्ट्स के लिए हमेशा मौजूद है। Well, in that case, प्रधानमंत्री जी के साथ आज शाम डिनर किया जा सकता है। Depends. प्रधानमंत्री तो ने कीटो डाइट, आज मेरा नो कार्ब संडे है। प्रधानमंत्री जी उस बात की चिंता मत करिए, वो क्या है कि मुझे कैलोरीज बर्न करने के कुछ इंटरेस्टिंग तरीके आते हैं। See you tonight. See you tonight. मैडम आप कहाँ जा रही हैं? आपके सिक्योरिटी डिटेल में तो कोई जाने की जानकारी है नहीं मैडम। मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए आज अशोक जी, एक्चुअली आप सब जा सकते हैं, आज आपकी छुट्टी। अरे नहीं, अरे वेट 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 वेट, क्या वेट मैम आप क्या कर रही हैं? आप जेड प्लस सिक्योरिटी के अंडर में आती हैं, आप ऐसे सडनली प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते। आज आपका स्पा डे है मैम, आप वो दोनों मैसूर आपका इंतजार कर रहे हैं। सो एंजॉय स्पा। ओप्स आई टोटली फॉरगॉट, एक काम कीजिए अशोक जी, आप मेरी जगह आज स्पा कर लीजिए, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्या पता आपके भी असली बाल उग जाए। रख देना मेरी दुखती नस पे हाथ। आप ना मेरा फेवरेट प्रोटीन बेस्ड हेयर स्पा ट्राई कीजिए, यू टोटली सी द डिफरेंस। मैं आपको बाहर जाने नहीं दे सकती, आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम आपके लाइफ का रिस्क नहीं ले सकते, सॉरी मैम प्लीज। नो मैम, नो। Check it out. Guess what? Prime Minister एक न्यूक्लियर वॉर पे जा सकती है, but एक डिनर डेट पे नहीं जा सकती है। What? What happened, baby? टी पीएम तो डेट पे नहीं जा सकती, but तानिया तो जा सकती है। मैं तो पीएम हूँ, अभी तक तुझे क्या लगा? No, you don't understand. Just think about it. What? Think about it, guys. Yes, ma'am. Hi, Ashok ji. So, हमारे plans थोड़े change हो गए हैं और हम jog करने के लिए जा रहे हैं। अरे ma'am, लेकिन अभी तो आप jog पे जाके आई थी। हाँ, लेकिन मेरे 15,000 steps अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ma'am, वो spa वाले आए हैं, उनका फिर क्या करें? उन्हें हमारे लौटने के बाद भेज देना। Cool? Okay, see you. We'll be right back.
पाप वालों को भेज दो। अंदर क्यों आ गए? पीछे क्या देखते हो? तो एसी खराब हो गया। मुझे अरे सर क्या देखते हो? बाहर निकलो। खोल दो डोर। हाँ हाँ गिव सिक्योरिटी क्लियरेंस। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे लगता है कि जब कोई चीज़ धीमी आंच पर पके तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। The taste lingers longer. Let's just say, I like cooking on slow fire. You know, Sachin, I think I'm more of a salad girl. सब टेक्स का मतलब समझती हो? टेक्स का मतलब समझती हूँ, जो तुम मुझे पिछले कुछ दिनों से कर रहे हो। सब टेक्स्ट मतलब किसी बात के अंदर छुपी हुई एक और बात। एनीवे नेवर माइंड। आई गेस जो मैं पूछना चाहता हूँ वो मुझे सीधे सीधे ही पूछ लेना चाहिए। Give me a hand. तानिया, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था आई डिडंट थिंक मच ऑफ यू, बट यू नो पिछले कुछ महीनों में आई हैव रियलाइज कि हमारे बीच तो कनेक्शन है। ये कौन सी भाषा बोल रहे हो तुम? Because you know, to me, it sounds a lot like awesome. ये हाँ है कि ना? सब टेक समझ लो। मार मार पानी मार पानी मार। किसको उठा के ले आए आप लोग? इतना बड़ा मिस्टेक कर दिया आप लोग। कौन हो तुम? तुम कौन हो? बताते हैं अभी। हाँ भाई, इस्तीफा साइन करवा लिया हो? देखो, छोटा सा गलती से मिस्टेक हो गया है। क्या 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 प्रॉब्लम हुआ है? वो कोई ऑयल लड़की को उठा के ले आया है सब। क्या? अरे वो चेहरा पे मुल्तानी मिट्टी लगाई हुई थी ना, तो मुझे भी नहीं क्या कंफ्यूज आ गए हम लोग। ठीक है सर, इस बार 50% दे दीजिएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है? सिर्फ 50%? तुम लोगों का इनकाउंटर भी करवा लूं मैं? अरे सर सर खराब तुम लोगों का। फोन में काट दिए? हाँ ऐसे कैसे? हमने काम तो किया है ना, और उसका आधा पैसा तो मिलना चाहिए ना। अरे जान बच गया यही बहुत बड़ा बात है भाई। ए अम्मा सुन, ये पैसा वैसा तो मिलने से रहा है, देखना उनका गजब की ब्यूटी है। नहीं भी कब से कब रस्ता थोड़ा शादी का बात तो चला दो। बौरा गए हो तनिक, उसको देखो तो ऊपर से नीचे पूरी अंग्रेजन है। हमारा रहन सहन उसको जमेगा? लेकिन हमारा तो जमेगा ना अम्मा। लग पगला। आई थिंक ये लोग ना तेरी शादी अपने बेटे से करवाना चाहते हैं। नो फकिंग वे। मान जाइए। देखिए बैंड है, बाजा है, बारात है, बस आपके हाँ कहने की देरी। अपनी शक्ल देखिए। I swear to God, if I was born with a face like yours, I'd like totally sue my parents. Hey, madam, ज़्यादा अंग्रेजी में बचन बचन मत कीजिए, समझे कि नहीं? हमको भी बुझाता है, बुड़बक नहीं है। चुपचाप इससे शादी कीजिए
अरे छोड़ दीजिए जी, नहीं तो हमारा बेटा रणुआ ही रह जाएगा। छोड़ दीजिए। हाँ ओके, आपको पैसे चाहिए ना, आप मुझे फोन दे दीजिए, मैं उस पे कॉल करूंगी और आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, आई प्रॉमिस। और अगर पैसे नहीं मिले तो तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया, तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया। I think my phone's ringing. That's okay. Meera. Hi, Meera. Hey, babe. We've been kidnapped by an Indian rural family. What the hell? Okay, listen. Just send Ashok ji with 8 lakhs. And please hurry. Okay, bye. Quickly. बहुत बढ़िया। अब अगर अशोक जी 8 लाख के साथ नहीं आए तुम लोग की खैर नहीं। I need to call Ashok ji. Hey, listen, no. फोन दो मुझे। Why? No, listen. हम अशोक जी को कॉल नहीं कर सकते। यार किसी को पता चल गया हम दोनों यहाँ हैं और तुम अपनी सिक्योरिटी डॉच करके आई हो तो मुसीबत हो जाएगी। तुम्हारी मेरी पार्टीज में अफरा तफरी मच जाएगी। Listen, सरकार भी घेर सकती है, मुझे शायद मेरी पार्टीज निकाल दे। Listen, this is not an option. तो मैं क्या करूँ? उन्हें मरने दूँ? उन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट से डिलीट कर दूँ? Listen, मीरा और रिकी को तुम्हें खुद ही बचाना होगा। मुझे? अरे खोल, आ गया लगता है। I think that's Ashok ji. ये मत मैडम। भाई साहब आराम से। अब तो हमारे 8 लाख मिल जाएंगे ना। बचपने से बुजगोल है हिसाब में। गणित में हमेशा फेल होता था। अरे बुड़बक, 8 लाख नहीं दुगना मिलेगा। रुको लगाते हैं। ए, खेलना मत। ए माँ, फोन है काट दिया हमरा। ए माँ का करें, चारे को मार देगा। हम लोग किडनैपर हैं, खूनी नहीं। इस अपना हमसे नहीं होगा। बेटा मैं तो कहती हूँ छोड़ दे इन लोगों को। क्या छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ भी देंगे ना तो पुलिस वाला हम लोग को ढूंढ लेंगे। अरे हम क्या चाहते थे, यही ना कि पटना में एक छोटा सा मकान हो अपना, किडनैपर लोग अपना मतलब सपना भी नहीं देख सकता है का? ऑफ कोर्स देख सकते हैं। मेरा मानना है कि सबका होना चाहिए घर, चाहे मर्डर हो या किडनैपर। सच्ची? आप सरकारी घर दिलवाएंगी हम लोगों को? ऑफ कोर्स। आपको गवर्नमेंट जॉब्स मैं दिलवाऊंगी, आपको सैलरी मिलेगी, आपका खुद का घर मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी। लेकिन आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप ये क्राइम की लाइन छोड़ देंगे। और हम रबिया हो जाएगा। ऑफ कोर्स, मेरी नजर में आपके लिए एक परफेक्ट लड़की है। आई वाज फकिंग क्यू यू, नॉट यू बेब डॉग। आई डोंट नो। आप सबका हमारे सालाना चिंतन शिविर में स्वागत है। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री के पद के लिए अपना उम्मीदवार ढूंढने। हमारे सामने
दो नाम है, वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती प्रियंवदा ठाकुर और देश की नौजवान प्राइम मिनिस्टर मिस तान्या ठाकुर। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी पार्टी प्रेसिडेंट श्रीमती प्रियंवदा ठाकुर जी को। भाषण शुरू करने से पहले आपके साथ एक बहुत बुरी खबर शेयर करना चाहती हूँ। अभी अभी मुझे पता चला है कि हमारी प्यारी प्राइम मिनिस्टर तान्या ठाकुर ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है और वो सुबह ही यूके वापस चली गई है। आप जरा बैठे बैठे। मुझे ये खत लिखते हुए बहुत ही दुख हो रहा है। मैं अपने फर्ज और जिम्मेदारियों पूरी तरह से निभाने में सक्षम नहीं हूँ, इसीलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक पांडे। अशोक भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुमने अपना फैसला बदल लिया है। अभी अभी सभी कह रहे थे कि तुम रिजाइन करके वापस यूके जा रही हो। What? Why? दादी, hashtag I love my job. तान्या जी, आपने तो हम सबको डरा ही दिया था। चलिए बिना किसी विलंब के हम वोटिंग शुरू करते हैं। चिट पर प्रियंवदा या तान्या जी का नाम लिखकर बैलेट बॉक्स में डाल दे। तो कहाँ थी तू? Oh, don't ask, Dadi. I had the craziest night. Meera और Ricky का kidnap हो गया था। Ricky और Meera? Tanya जी, आप ठीक तो है ना? Of course. PT Dubs, मैंने आपके लिए बहुत ही good looking लड़का ढूंढ लिया है। Everything is fair in love and war.
है कि प्यार भरी जंग में रह जाएगा प्यार या होगी टकरार।